गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है। अभी 9:15 के आसपास का टाइम है और आज मम्मी ने यहां बनाया है चुकंदर की पूड़ियां, मतलब पूड़ी कचौड़ी, आप जो भी समझ सकते हैं। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो आगे व्लॉग के पूरे एंड तक बने रहिए, आपको सब पता चलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चुकंदर की पूड़ी जो है वो किस तरह से बनी है, तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पूरी रेसिपी मैंने उसमें शेयर करी है, तो आप वहां से ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही हेल्दी है और बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को चुकंदर खिलाने का, क्योंकि कोई भी बच्चे जो होते हैं वो चुकंदर तो खाते नहीं हैं। मतलब आप हमेशा देखेंगे, हम लोग ही जब छोटे थे तो हम लोग भी नहीं खाते थे। और यहाँ पीहू बैठी थी, मैं उसको दे रही थी कि लो आप ब्रेकफास्ट कर लो। तो अगर आप भी अपने बच्चों को चुकंदर खिलाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने बच्चों को चुकंदर बहुत अच्छे से खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, इससे आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप सबको पता ही होंगे चुकंदर के गुण क्या क्या होते हैं। तो मैं इसकी पूरी रेसिपी आपको नीचे वीडियो के लिंक मिलेगा, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी प्लेट लगवा ली है और ये है हमारी चुकंदर की कचौड़ी, साथ में चाय है और मैं आम का अचार भी लूँगी। तो बस आज हमारा यही ब्रेकफास्ट है। आपको कैसा लग रहा है देख करके कमेंट करके बताइएगा। और बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ये बाहर पीहू को नहलाने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक जा रहे हैं और मम्मी को दिखाना था अपना दांत इसीलिए, और पीहू को लेकर के नहीं आए हैं। पीहू आंटी जी के पास ही है, मेरी चाची के पास, वो उनके पास आराम से रह लेती है। छोटे में पीहू बहुत परेशान करती थी जब वो छोटी थी, बट अब वो आराम से रह लेती है तो उसको अच्छा है घर पे छोड़ के आए हैं। वैसे भी कहीं डॉक्टर हॉस्पिटल के मतलब ले जाना तो ठीक नहीं है, बच्चों को सेफ नहीं है अभी। तो हम लोग यहाँ बस मैं और मम्मी जा रहे हैं और बस पहुँच गए हैं हम लोग यहाँ पर क्लिनिक पर। और यहाँ बहुत भीड़ लगी थी, मतलब 5-6 लोगों के बाद हमारा नंबर था। तो हम लोग यहाँ बैठे वेट कर रहे थे, वही मैं मम्मी से बातें कर रही थी कि देखिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और बस अंदर हमारा नंबर आ चुका है, हम लोग पहुँच गए हैं। तो काफ़ी अच्छा क्लिनिक है यहाँ पे, काफ़ी साफ़ सफाई भी थी और काफ़ी ध्यान दिया जा रहा था। पहले सबसे पहले सैनिटाइज़ किया हम लोगों को, ऊपर से नीचे तक सैनिटाइज़र उन्होंने यूज़ किया था अंदर जाने से पहले। उसके बाद फिर डॉक्टर जो थे उन्होंने भी अपने ग्लव्स चेंज किए, सैनिटाइज़ सीट भी सैनिटाइज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा डेंटल हॉस्पिटल है, मतलब डेंटल क्लिनिक है। और मम्मी बहुत टाइम से जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो यहीं आती हैं, तो वही वो मम्मी को समझा रहे थे कि इस तरह करना चाहिए। और पहले तो उन्होंने एकदम हम लोग को डरा दिया था कि काफ़ी ज़्यादा आपको खर्चा है आपके दांतों में। अभी बस हमारा यहाँ पे हो गया है और घर चलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अभी हम लोग ने नहा लिया है, चेंज कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे हमारा लंच की तैयारी हो रही है। तो लंच में आज हम लोग बना रहे हैं जल्दी से फटाफट फ्राइड राइस। उसके लिए सबसे पहले मम्मी ने चावल आते ही नहाने के बाद रख दिया था कुकर में, वो कुकर में सीटी आ गई है और यहाँ मूंगफली फ्राई हो रही हैं। यहाँ पर मम्मी रोटियाँ भी बना रही हैं क्योंकि पापा को रोटी सब्जी दे देंगी और हम लोग फ्राइड राइस खा लेंगे। तो बस ये देखिए मैं यहाँ पर मूँगफली फ्राई कर रही हूँ। मैंने कहा मम्मी जब तक रोटी बनाएंगी तब तक ये मैं
राइस को फ्राई कर दूंगी। तो बहुत इजी तरीके से फ्राई कर रही हूँ, बस आप देखते रहिए। ये है, सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर लिया, उसके बाद करी पत्ता, राई और थोड़ा सा हींग डाला है। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे जैसे कि काजू, बादाम और किशमिश। और मूंगफली तो मैंने पहले ही फ्राई कर दी है, वो आपने देख लिया है। तो बस जब सब कुछ फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला, लाल मिर्च डाल दी है और उसके बाद जो चावल पके हुए थे चावल डाल दिए। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला है। देन फिर मैंने ऊपर से हरी धनिया गार्निश कर दी है और तैयार है हमारा गर्मा गर्म यहाँ पे फ्राइड राइस। तो आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म लंच कर लीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ आफ्टरनून में, जब हम लोग आए थे उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने लंच किया। लंच में फटाफट से मम्मी ने रोटियाँ बनाई और जल्दी से सब्जी बना दी, पापा ने रोटी सब्जी खाया और मैंने जल्दी से थोड़े से फ्राइड राइस बना लिए। मतलब राइस मम्मी ने कुकर पे चढ़ाया तो मैंने सोचा कि चलो फ्राइड राइस बना लेते हैं। और अभी भी आपको खटर खटर की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, तो अब दिवाली आएगी तो दिवाली पे पेंटिंग वेंटिंग जो होना है वो सब एक साथ हो जाएगा। और आप लोगों में से किसके किसके घर में ऐसा पेंटिंग वेंटिंग हो रही है बताइएगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। और आने के बाद पहले तो सबसे पहले मैंने नहाया, मतलब सबसे बड़ा काम तो अभी यही हो गया। कहीं से आओ, फिर उसके बाद सारे कपड़े चेंज करो, नहाओ वहाओ, फिर गर्म पानी काढ़ा ये सब पियो, तो उस पर काम बढ़ जाता है। और अभी मैं इस वाले रूम में हूँ, पीहू बेडरूम में मम्मी के साथ लेटी हुई है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी ना डॉक्टर के यहाँ गए तो क्या हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बोला कि मम्मी के एक्चुअली टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, खाने में कुछ दर्द हो रहा था अंदर, तो वही दिखाने गई थी। तो डॉक्टर ने तो बोला कि आपका मतलब 50,000 का खर्चा आएगा और कुछ कैप वैप चढ़वाने का कुछ उन्होंने बताया है। मैं आपसे मम्मी से बात करवाऊँगी अभी मैं आपको शाम को, अभी तो मम्मी थोड़ी देर लेटी हैं। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ। तो हम लोग एकदम से शॉक्ड हो गए कि अरे 50,000 का खर्चा एकदम से कैसे हो गया। और अचानक ही जाना पड़ा क्योंकि कल रात में ही मम्मी को पेन हो रहा था। अच्छा, मैंने देखा है ना दांतों का जब दर्द होता है तो वो अक्सर रात में ही होता है, तो वही मम्मी के हो रहा था, इसीलिए हम लोग गए थे दिखाने के लिए। तो बस, और फिर आने के बाद वो कपड़े अपड़े वॉश कर दिए हैं, फैला दिए हैं उनको। और अभी बस हम लोग फ्री होके बैठे हैं तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। और आजकल मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ, एक्चुअली मेरा मन नहीं होता है व्लॉगिंग करने का, घर पे ऐसे ही सबके साथ बैठे रहे बातें करे। कभी मैं ऊपर चली जाती हूँ आंटी के पास और कभी नीचे दादी के पास बैठ गई, इस तरह से समय मेरा निकल जाता है, तो मन नहीं होता मेरा जल्दी से व्लॉगिंग करने का। तो अभी मैंने आपको दिखाया ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और अभी यहाँ पे हम लोग आए थे आंटी के रूम पे, मैं पीहू को लेकर के नीचे जा रही हूँ, तो अब पीहू को नीचे जा कर के मुझे दूध देना है। चलिए चलते हैं, पीहू को नीचे दूध देते हैं।
यहाँ मैंने पीहू को दे दिया है चॉकलेट मिल्क, मतलब कि वो बॉर्नविटा मिल्क को बोलती है चॉकलेट मिल्क, तो मैंने उसको दे दिया है। और यहाँ कुछ कपड़े थे पीहू के और मेरे, तो मैंने सोचा चलो उसको जब तक पीहू दूध पिएगी मैं उससे बातें करते करते इसको भी फोल्ड कर दूँगी। और इससे इसी समय जब मैं पीहू के साथ बैठती हूँ तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उससे पूछती रहती हूँ, जैसे उसको रिविज़न जो ओरल मुझे कराना होता है वो सारी चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कभी कभी, जैसे जो मैं उससे ओरल पूछती हूँ, तो आप लोग को अच्छा भी लगता है पीहू किस तरह की बातें जो हैं। तो पीहू यहाँ पे एक स्टोरी सुन रही है फ़ोन पे, और वैसे तो ज़्यादा मैं पीहू को फ़ोन देती नहीं हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को फ़ोन में स्टोरी या राइम्स लगा दो तो उसको अच्छे से वो लर्न कर लेते हैं, तो वही यहाँ पे पीहू कर रही है। बैक फ्रेंड्स, और अभी हम लोग ने चाय पी है, आपने देखा ऊपर जो काम चल रहा था मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया, और पीहू भी अभी ऊपर गई थी मेरे साथ, ऊपर थी आंटी के रूम पे, हम लोग नीचे आ गए हैं और अभी बस चाय पिया है। मम्मी यहाँ बनाने जा रही हैं माइक्रोनी, तो हेलो मम्मी। हेलो। अब आपका दांत का दर्द ठीक है? हाँ, दांत का दर्द तो ठीक है, गई थी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इसमें ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, दिक्कतें हैं लेकिन अभी चल रहा हो तो चला लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में दिक्कत आएगी आपको ट्रीटमेंट कराने में, जो कोविड चल रहा है, और इस ट्रीटमेंट 6 महीने लग जाएंगे और 50,000 के करीब खर्चा आएगा, तो वो कुछ अंदर ज्यादा प्रॉब्लम अगर करता है तो आगे जो फर्दर प्रोसेस होगा, तो उन्होंने दवा लिख दिया है, उसको कहें जब आपको बहुत दिक्कत हो तो उसमें खाइए और बाकी ठीक है, मलहम दिया है लगाने के लिए ट्यूब। चलिए ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को फिनिश कर दूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट एक व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो वो आपको देखने को मिलेगा कल, तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।